नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ और नर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी 10 सूची मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीकरी में एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एम्प्लॉय परिसर में हवन पूजन कर सरकार को सद्बुद्धि मिले इसकी कामना की गई है। इंदौर में हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ और नर्स एसोसिएशन द्वारा करीबन 8 से 9 दिनों से अपनी 10 सूची मांगों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। एम्प्लॉय हॉस्पिटल में करीबन 11 से नर्स मरीजों की सेवा में लगे हैं। साथ ही प्रदेश में करीबन 25,000 नर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कई प्रकार का प्रदर्शन सरकार को सचेत करने के लिए किया गया है। उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा नर्स एसोसिएशन के सदस्यों से मिलने या फिर उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने नहीं आने के चलते नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए एम्प्लॉय परिसर में यज्ञ हवन किया गया। सरकार को सद्बुद्धि आ सके और वो नर्सेज एसोसिएशन सहित अन्य अच्छे निर्णय प्रदेश हित में ले सके। हम ये सद्बुद्धि यज्ञ के थ्रू सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनको थोड़ी इस यज्ञ को देख कर सद्बुद्धि आए कि नर्सेज जो इतने टाइम से अपनी मांगों को लेकर बार बार आह्वान कर रही उसके ऊपर ध्यान दें और उन मांगों का निराकरण करने की कोशिश करें जो अभी तक नहीं किया है उन्होंने। ये द्वितीय चरण की हड़ताल है हमारी, उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, तो हम ये सद्बुद्धि यज्ञ करके उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि आए और हमारी समस्याओं के ऊपर जल्द से जल्द वो ध्यान दें और उनका निराकरण करें। गरिमा यादव, मीडिया प्रभारी, नर्सेज विभागीय प्रांतीय समिति। आज हवन यज्ञ किया है, किस आहुति दी गई है, अभी तक मांगे कोई पूरी नहीं हुई है, किसी ने भी अभी तक आपसे चर्चा नहीं करी है? नहीं, देखो चर्चाएं अभी नहीं हुई हैं और अगर चर्चाएं नहीं होंगी तो हम इस आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। 22 तारीख को हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, उससे पहले हम अभी इसके बाद में मरीजों से समय प्रार्थना करेंगे कि आपको जो भी हड़ताल में हमसे जो भी आपसे कमी हो हमारी उस पूरी करें और हमारे को क्षमा याचना दें। उसके बाद में हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन, 22 तारीख को हम सामूहिक सीएल भरेंगे और 25 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है। आज कर्मचारी शहर में जो एक साथ हड़ताल, शहर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हमारे साथ 25,000 से समथिंग नर्सेज हमारे साथ आंदोलन में ये हैं और सभी हमारे साथ सहयोगी आंदोलन को जोर शोर से आए दिन हमारा आंदोलन उग्र होता जा रहा है क्योंकि सरकार हमारी मांगे अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। आज आपने क्या करा है? आज हमने सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि सरकार को थोड़ी सी अक्ल आए, थोड़ी सी बुद्धि आए। जो कोरोना वॉरियर्स थे हम लोग, जिन्होंने कोरोना से देश को निकाला है, मध्य प्रदेश को निकाला, जब सभी परिजन घर में बैठे रहते थे, उनके मरीजों को कोई नहीं देखता था, जब हम लोग देखते थे, लेकिन आज सरकार हमको अनदेखी कर रही है और हमें देख नहीं रही है। इसलिए हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने, क्योंकि हमारी मांगे सारी की सारी मांगे हमारी जायज है, कोई भी ऐसी मांगे नहीं है जिससे हम आप सरकार उस पे नमन नहीं कर सके। और हम सरकार से यही दुआ करते हैं कि वो हवन करके, हमने इसीलिए हवन किया है कि सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और ये कोरोना वॉरियर्स जो आज खड़े हैं, भगवान ना करे हमारे देश में कल को तीसरी वेरिएंट भी आने वाली है, कहते हैं भाई चलने वाली है, तो उसमें भी हम ही खड़े हुए मिलेंगे, लेकिन सरकार आज हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है, ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो सरकार, हम आपके थ्रू सरकार को जगाना चाह रहे हैं। मेरा नाम नटवर पाराशर, नर्सेज विभागीय प्रांतीय समिति का संभागीय सचिव। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।